एवरीवन, मैं हूं अलेक्स फ्लोर और स्वागत है आपका और एक नए बॉन्ड के एपिसोड में। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जस्ट ओके, आराम से लैंडिंग कर ली है एंड स्कूबी के यहाँ पे जाते। स्कूबी कैसे? यो व्हाट्स अप ब्रो। सो आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक वीक के ऊपर हो गया, बॉन्ड का एक भी एपिसोड जो है वो नहीं आ रहा था। उसका रीज़न भी वैसे है, थोड़ा प्लानिंग जो है वो भी चल रही थी, बट सबसे मेन जो है फाइनली अभी बॉन्ड जो है वो रिलम से चेंज होके अभी सर्वर में आ गया है। सो या बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड की गई है एंड थैंक्स टू असैसिन, उसने जो है बहुत सारा टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया है। एंड उसके पहले थैंक्स टू यूडीके, बिकॉज रिलम जो है वो बहुत अच्छे से संभाला था, पता नहीं था इतनी सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। बहुत बहुत थैंक यू यूडीके को। एंड बाकी जो है हमारा एक सब्सक्राइबर है, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे कुछ पैक है, समुराई 189, आप लोग स्क्रीन पे नाम पूरा देख सकते हो। उसने बताया था कि ऐसे ऐसे है पैक, ऐसे ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो उसे बहुत बड़ा वाला शाउट आउट। सो ये तीन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। एनासेसिन रुक के जो है एडिट किया है पैक एंड सर्वर जो है वो बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये आधार प्रदर्शन जो है वो तो हो गया है, बाद में कर लेते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई है, वो क्या क्या है वो आप लोगों को बता देता हूँ। बट उसके पहले हमारा ये मस्त घोड़े जो है, दोनों घोड़े लास्ट टाइम हम लोगों ने इसे जो है पकड़ा था, तो या ओके ये सूरज जो है वो चेंज हो गया, बिकॉज मैं यूज़ कर रहा था ऑप्टिफाइन 1.12 यूज़ कर रहा था, आई थिंक सो, या 12 वाला वर्जन, पता ये 12 वाला वर्जन यूज़ कर रहा था। तो जो भी नई चीज़ें है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं। बट उसके पहले आप लोगों को एक काम करना है, बेल आइकन जो है वो प्रेस करना है, सो दैट जो भी नए वीडियोस आने वाले हैं वो वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जो है वो जाने वाले हैं। बिकॉज यूट्यूब जो है पता नहीं ऐसे काम क्यों करता है, कभी कभी नोटिफिकेशन भेजता नहीं है। लास्ट वाला वीडियो भी इतना अच्छा खासा कुछ गया है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है बेल आइकन प्रेस करना, आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है जो वो आ जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ जो चेंज हो गई है वो है, एक तो सर्वर जो है वो फाइनली बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, नेदर जो है पोर्टल चेंज हो गई है वो है, नेदर पोर्टल जो है उससे बहुत ही जल्दी जो है हम लोग फास्ट अभी ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये लोडिंग स्क्रीन जो है वो भी कभी कभी दिखती नहीं है, एक्चुअली दिखती ही नहीं है, देखो। ऑलराइट, तो ये अभी थोड़ा टाइम दिख रही थी, पता नहीं जस्ट रिकॉर्ड करते टाइम में ऐसे क्यों हो रहा है। ओके, अभी फिर से देखते हैं, 1 सेकेंड गाइज, ये देख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है लोडिंग स्क्रीन जो है वो दिखती नहीं है भाई, बहुत ही जल्दी जो है टेलीपोर्टेशन हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड सेकंड जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी तो मेरे पास आई थिंक सो एफिशिएंसी 5 की कुछ है नहीं, जिससे मैं आप लोगों को फास्ट जो है कैसे काम कर रही है इसे आप इग्नोर करो, मैं बहुत सारी जो चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी भी मेरा ऑर्गेनाइज़ करना चालू है। सोच रहा हूँ कि हम लोग जो है नीचे, वाओ सूरज कितना मस्त दिखता है, सोच रहा हूँ कि नीचे जो है मैं अभी आइटम्स ऑर्डर बनाऊंगा आयरन फार्म के साथ साथ। तो या तो मैं दिखा देता हूँ कितना फास्ट जो है यहाँ पे कौन से भी ब्लॉक्स जो है वो ब्रेक होते हैं, इवन ब्लॉक प्लेस करते टाइम भी समझ में आता है पूरा। तो ये है मेरी शवल से जैसे ही मैं ब्रेक करता हूँ, फैंटम ब्लॉक्स जो है वो बनने ही नहीं वाले। अगर आप लोगों बहुत टाइम से खेल रहे हो बॉन्ड तो आपको पता रहेगा कि फैंटम ब्लॉक्स क्या रहते हैं। तो देखो सारे के सारे ब्लॉक्स जो वो आराम से टूट रहे हैं, इवन मैं एफिशिएंसी 5 की भी यूज़ करता हूँ तो भी कुछ इशू होने वाला नहीं है, बिकॉज आप लोग जाके जो है चेक कर सकते हो असैसिन का वीडियो, आई होप आप लोगों ने पहले ही देखा होगा, बिकॉज या बट असैसिन ने जो है खुद से एक्सपीरियंस बताया था कि एफिशिएंसी 5 की शवल यूज़ करने के बाद भी जो है उसका एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं हुआ कि घोस्ट ब्लॉक में बन रहा था। सो या पिंग बहुत अच्छी मिल रही है एंड स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। एंड मेन कौन से भी सर्वर की चीज़ जो है वन प्लेयर स्लिप वो भी काम करता है। एंड इवन आप लोगों को यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं कि कौन सा हो रहा है, अभी तो सर्वर में कोई ऑनलाइन है नहीं, ये भी दिखा देता हूँ, बड़ा वाला जो है ब्लॉक वो क्या था चार्ट, तो जैसे ही सोता हूँ आप लोग नीचे देख सकते हो। ओके, सुबह भी हो गई आई थिंक सो, गुड मॉर्निंग। ओके, नीचे देख सकते हो मेरा नाम आता है फट से, अगर कोई दूसरा बंदा भी सो रहा है तो उसका नाम जो है आप लोग नीचे देख सकते हो, एंड उठने के बाद गुड मॉर्निंग का जो है वो भी लोगो आएगा। भाई इसमें सूरज तो बहुत ही मस्त लगता है, नाइस वन। तो ये जो है ये हो गया, वन प्लेयर स्लिप जो है वो भी अच्छे से यहाँ पे काम करता है। एंड नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बहुत सारे लोग जो है बॉन्ड के मेम्बर्स रुके थे, इवन बहुत सारे आप लोग जो है सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स बोल सकते हैं वो भी रुके थे, वो लोग बोल रहे थे कि ये एड ऑन जो है वो ऐड करो, वो है ये हेड वाला एड ऑन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे दो टाइप के हेड जो है वो यहाँ पे है,
एंड इवन मैं इनके साथ इंटरेक्शन जो है वो भी कर सकता हूँ। ओके, मैंने दोनों हेड अभी उठाए हैं, तो या मैं जस्ट ज़मीन पे भी नहीं रख सकता, बाकी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे भी ये हेड्स जो है वो लगा सकता हूँ। एंड इनका एक अच्छा यूज़ जो है वो मैंने असैसिन के स्ट्रीम पे देखा था, तो ये देख सकते हो अगर ऐसे हेड है तो मैं इनके ऊपर जो है वो भी बैठ सकता हूँ। तो जस्ट वन सेकेंड ऑलराइट, तो आप लोग अभी देख सकते हो मुझे कैसे मैं हेड पे बैठा हूँ। एंड इवन मैं अभी ये हेड पे बैठ सकता हूँ, यप, तो ये हेड पे भी बैठ सकता हूँ। एंड आई होप मैं ऊपर भी आ सकता हूँ। ओके, ऊपर नहीं आ सकता, ये जो है अभी तक मुझे नहीं हो रहा है करने के लिए। ओके, वन सेकेंड, मैं फर्स्ट प्लेयर पे एफ पी पी में ट्राई करता हूँ। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं, इस पे बैठना है, उसके बाद इसके बाद इस पे बैठना है एंड जंप। ओके, ये नहीं होता मेरे से, तो नहीं होता असैसिन, पता नहीं कैसे कर लेता है। तो हेड निकालने के लिए तो बस, ओ भाई साहब क्या जंप मारा था यार, हेड निकालने के लिए तो एक ही काम करना है, जस्ट स्नीक करना है, उसके बाद हेड जो है वो निकल जाता है। तो अभी के लिए तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट एक इशू हो जाता है जैसे ये हेड को कोई मारता है ना, तो वो एक इशू होता है, वो मैं और भी एक दिखा देता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो है ये चेस्ट में मैं रख रहा हूँ हेड, तो विंडिकेटर का हेड है, इवोकर का हेड है, प्लेजर का हेड है, तो ये सारे हेड जो है वो सेम टू सेम दिखते हैं, बट मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट हेड जो है वो है ये, देखो ये हेड तो मेरा पसंदीदा नहीं है, बट ये स्क्विड का हेड जो है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हेड है, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत पसंद आता है। ओके, तो ये हेड जो है वो हम लोग ये चेस्ट में रख देते हैं, सो दैट बाकी कोई जो है हाथ नहीं लगाने वाला है। बट ये हेड का एक इशू है जो अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जस्ट बाहर जाना पड़ेगा हमें। ऑल राइट, तो अगर ये हेड ऐसे है, किसी ने रखा है एंड गलती से कोई आके अगर इसे मारता है एरो, तो ये हेड जो है ऐसे ऊपर ऊपर चले जाएंगे एंड कभी रिटर्न नहीं आएंगे नीचे। काफ़ी भी जा रहा है, इवन हम लोग पकड़ भी नहीं सकते, गया ये रेंडर डिस्टेंस के बाहर चला गया, तो उसके बाद गया, फिर से आप लोगों को मिलने भी नहीं वाला है। ऑल राइट, तो एरो ले लेते, कोई बात नहीं। तो ऐसे जो हेड्स जो है मोस्टली बाहर, ओके मुझे लगा यहाँ पे हेड है, तो बाहर ऐसे रखना मत। क्या मेस करके रखा है मैंने, सारे के सारे शल्का बॉक्स मैंने बाहर क्यों निकाल के रखे। ओके, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एफ के था, तो इतने सारे एमरल्ड जो है ब्लॉक्स वो भी कलेक्ट किए हैं, तो उसके लिए अभी जाना है, मतलब अभी बाद में जाते हैं, और भी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और भी क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की गई है। एंड नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड की गई है वो है कंपस, जो है आपको बताने वाला है कि आप कौन से बायोम में जो है वो खड़े हो, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। क्या हम लोग उड़ सकते हैं, वन सेकेंड गाइज। ऑल राइट, ओके हम लोग आ गए सेवना बायोम में। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, तो प्लेन बायोम में एक्चुअली आना चाहिए, तो ये देख सकते हो आप लोग, तो इसका जो, ओ भाई साहब ये किसने मारा, क्या चल रहा है मेरा। मेरे हेल्थ भी जो है वो भी लो है, जस्ट वन सेकेंड गाइज, हम लोग हेल्थ पूरा ही कर लेते हैं। तो इसका यूज जो अच्छा होने वाला है, लाइक ये आप लोग देख सकते हो ये प्लेन्स बायोम है, वहाँ पे घोड़ा भी है, तो प्लेन्स बायोम जैसा ही हम लोग नेक्स्ट बायोम में जाने, फॉरेस्ट बायोम, तो ये देख सकते हो। तो इवन आप इससे जो है एक परफेक्ट लाइन जो है वो भी बना सकते हो, लाइक अभी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, वन सेकेंड। तो जैसे ओके ये देख सकते हो, तो ये प्लेन्स बायोम है, जैसे मैं लेफ्ट ब्लॉक जाता हूँ, लेफ्ट ब्लॉक पे एक ब्लॉक, ओके ये वाला भी नहीं है ब्लॉक, ये भी नहीं है, ओके ये देखो ये फॉरेस्ट बायोम में आ गए, और ये आ गए हम लोग प्लेन बायोम में। तो ये देख सकते हो ये जो ब्लॉक जो है, मतलब हमें अभी बताने वाला है ये कंपस कि कौन से वाले बायोम में जो है हम लोग खड़े हैं, तो इसका यूज़ जो है वो फार्म्स में अच्छा खासा होने वाला है, कैसे वे अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग सेवना बायोम में हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे स्क्विड फार्म बनाना है नदी में, तो ये देख सकते हो जैसे मैं जाता हूँ रिवर बायोम जो है वो मुझे दिखाना चालू करता है। तो स्क्विड जो है वो मोस्टली स्पॉन होते हैं सिर्फ रिवर्स में, तो या तुम लोगों को पता है मैं क्या करने वाला हूँ अभी, बस बाकी लोगों को बताना मत कि हम लोग क्या चीज़ जो है वो करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो एड ऑन जो ऐड किया गया है वो तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और इसके वजह से मेरी क्रिएटिविटी पता नहीं क्यों बट आसमान की ऊंचाइयों तक छू रही है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, तो क्या है आप लोगों को आई थिंक सो पता चला होगा बाकी लोगों के वीडियो से, बट पता नहीं मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो आर्मर स्टैंड जो है उसके भी एक्स्ट्रा जो है ट्विक्स इसमें ऐड किए गए हैं, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ इसका क्या लाइक यूज़ जो है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो ये जो हमारा आर्मर स्टैंड है उसमें जो है हम लोग बहुत सारे लाइक तीन टाइप के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। एक देख सकते हो, जैसे मैं इसके सामने गोल्डन कैरेट लेके जा रहा हूँ, मैं हाइड कर सकता हूँ,
स्लाइम बॉल लेके जा रहा हूँ तो नो ग्रेविटी कर सकता हूँ एंड स्पाइडर राय देने के बाद इसे छोटा कर सकता हूँ। तो जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे सिर्फ बोल के नहीं दिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। सो ये देखो मैं स्मॉल करता हूँ इसे, तो इसके साथ साथ इसका जो पिकैक्स जो है वो भी छोटा हो गया है, तो वो ऑड भी नहीं लग रहा है। आर्मर जो है वो भी छोटा हो गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। इससे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं गाइज। एंड अगर मैं सोच रहा हूँ इसे जो है गोल्डन कैरेट से लाइक अंदर का पार्ट बहुत गंदा दिख रहा है तो वो भी मैं हाइड कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हो अभी और भी मस्त लग रहा है। और इसके साथ साथ जो है मैं इसको अभी भी पोज जो है वो भी दे सकता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इवन मैं इसके कपड़े निकाल के जो है मतलब आमा निकाल के जो है सिर्फ ऐसे आर्म ये है जो है पिकैक्स वो रख सकता हूँ, सो दैट ऐसे लगेगा कि डेकोरेशन जो है वो है। एंड इसके साथ साथ अगर मैं इसे स्नोबॉल देता हूँ एंड जैसे ही मैं ये निकाल देता हूँ तो ये देख सकते हो आर्मर स्टैंड जो है अभी हवा में लटक रहा है। तो इसके वजह से जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी लाइक दिमाग जो है वो बहुत अच्छे से मेरा फास्ट चल रहा है। आप लोग भी बता सकते हो ये अगर ऐसे चीज़ है तो इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सो जाते हैं बिकॉज रात हो रही है एंड क्रीपर ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं। सो ऑल राइट, तो ये था आर्मर स्टैंड का। आप लोग मुझे बता सकते हो आई थिंक सो मुझे इसे जो है इनविजिबल करना चाहिए। अच्छा रिमूव कर सकते क्या? ओके पूरा का पूरा रिमूव कर दिया तो ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसे छोटा करके ही हम लोग जो है घर में रखने वाले हैं आमों के लिए, बहुत अच्छा लगता है ये। सो उसके बाद मेन चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा इसको भी क्या कर रहा है अभी भी देख रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है मैं उस पर लाइक ये करने वाला वर्क उस पर करने वाला वो है डेथ काउंटर। तो आप लोग यहाँ पे राइट में देख सकते हो डेथ्स लिखी है, उसके बाद प्लेयर ऑफलाइन बिकॉज जस्ट मैं अभी अकेला हूँ जो अभी खेल रहा हूँ, बाकी के लोग अब आई थिंक सब मीटिंग चल रही है, पता नहीं किसके बारे में। मे बी नेक्स्ट जो है कोविड इवेंट आने वाले उस पर ये लोग मीटिंग चालू हुए। तो ये देख सकते हो प्लेयर ऑफलाइन 71, 36, 29, 27। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हो गई है वो है जॉम्बी की है एंड उसके बाद 36 जो है वो है गोल्डन कॉरोनेट। तो ऐसे जो है डेथ काउंटर पे भी दिखने वाला है। अच्छा हुआ अभी मैं जो है अभी तक मरा नहीं हूँ बिकॉज या ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन इतना नहीं था मैं, बट या इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इवन यहाँ पे जो दो नंबर पे है यहाँ पे कहीं पे असैसिन है, असैसिन भी जो है दो बार मरा है। यस अभी भी हम लोग जो है अच्छे खासे नंबर पे है, मरना नहीं है हमें लास्ट तक, लाइक जब तक देख सकते हैं। मैं तो ट्राई करूँगा, बहुत टाइम जो है हमें मरना है नहीं, बट उसके बाद हम लोग जो है टारगेट पे आ जाएंगे बाकी लोगों के, तो उनसे बचना पड़ेगा एंड उसके लिए जो है हम लोग टोटेम ऑफ अंडाइंग यूज़ करेंगे। तो फाइनली अभी ऐसे आने वाला है टाइम कि हमारे टोटेम ऑफ अंडाइंग जो है वो सेल अच्छे खासे होने वाले हैं। और एक मेन चीज़ जो है यहाँ पे हुई है वो है वैंडरिंग ट्रेडर्स के जो ट्रेड्स जो है वो भी अच्छे खासे हो गए हैं, लाइक चेंज हो गए। लाइक डायमंड से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है खरीद सकते हैं, बट उसके बाद से जो है मुझे वैंडरिंग ट्रेडर जो है वो दिखाई नहीं है। बाकी लोगों के बेसिस पे स्पॉन तो हो रहे हैं बट हमारा बैड लक या फिर क्या बोल सकते हैं पता नहीं, बट अभी तक वैंडरिंग ट्रेडर जो है हमारे बेस पे स्पॉन हुआ नहीं है। जैसे स्पॉन होने वाला है उससे मैं लूटने वाला हूँ बिकॉज उसमें जो है थंडर के भी ट्रेड जो है वो डाले हैं। लाइक 5 ब्लॉक्स में हम लोग थंडर जो है थंडर जो है वो बुला सकते हैं या फिर लाइक डायमंड्स के लिए हम लोग बाकी चीज़ें जो है वो बाय कर सकते हैं। ये घर जो है मेरा वो बहुत ही थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लाइक यहाँ पे मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। और बाय द वे मैंने जो है सारा का सारा कॉन्क्रीट जो है आप लोग देख सकते हो, एक बार मैं उड़ के भी दिखा देता हूँ, आई होप मैं उड़ सकता हूँ। यप उड़ने की तो प्रैक्टिस बहुत कड़क वाली चल रही है मेरी। ओके सो आप लोग देख सकते हो सारा का सारा बेस जो है उसमें मैंने पानी डाल के अभी फाइनली कॉन्क्रीट जो है वो चेंज कर लिया है। एंड मैंने जो है इंस्टाग्राम पे पोल किया था कि बेस जो है वो उसका डिज़ाइन जो है वो कैसा रखना है, तो लाइक 50% से ज़्यादा लोग जो है लाइक मुझे तो लग रहा था कि टाई ही होने वाली है क्या, बट 50% से ज़्यादा लोग जो है वो लोगों ने बताया था स्लाइड नंबर से कि सेकेंड टाइप का जो है आप लोग स्क्रीन पे अभी देख सकते हो सेकेंड टाइप का जो कलर जो है वो यूज़ करना है। तो कोई बात नहीं अभी वही करना है एंड उसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज जो है मुझे बाय करना है प्रिज्मरीन डेकोरेशन के लिए, बाकी जो है ग्लास और ये जो है हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलो अभी जाते हैं हम लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। ऑल राइट, तो आगे हम लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एंड इवन यहाँ पे भी लैग जो है गाइज लैग ज़रा भी नहीं हो रहा है मेरा। लाइक नॉर्मल लैग तो इतना तो चलता है, कोई बात है नहीं, और
मैं जस्ट आप लोगों को डायरेक्टली दिखा देता हूँ, बाकी सब चीज़ें अच्छे से है सब कुछ। यहाँ पे पैरट मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके पैरट, ए वन सेकेंड, मैं उसको उठा पा रहा हूँ? नहीं 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 उठा पा रहा हूँ। तो वो पैरट को अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं, बिकॉज पता नहीं हमारा पुराना पैरट कहाँ पे है। तो ये लिफ्ट के लिए जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा गाली पड़ी थी, बिकॉज लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। बट फाइनली गाइज अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो तुम लोगों ने जस्ट देखा वो कितना फ्लॉलेसली जो है हमारे लिफ्ट ने यहाँ पे काम किया है। मैं अभी थर्ड पर्सन पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके तो वन सेकेंड गाइज, जस्ट मुझे यहाँ पे बटन दबाने के लिए थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ओके बटन बटन बटन, ओके वन सेकेंड गाइज। ओके ये तो पानी है, ये नहीं है। ओके तो ये देख सकते हो इवन थर्ड पर्सन पे भी मैंने दिखाया था, तो अभी फाइनली जो प्रॉब्लम हो रहा था वो अभी बंद हो गया। मेरा ऑल टाइम मन जो है मेरा करता है कि ऑल टाइम जो है मैं यहीं पे जो है काम किया करूँ। ये देख सकते हो यार कितनी मस्त लिफ्ट हो गई है। तो हमारा शॉप जो है वो अभी और भी अच्छे खासे जो है वो चल रहा है। ओके मैं ऊपर गया नहीं, मतलब ऊपर गया था बट मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया कि मुझे डायमंड जो है वो कितने मिले हैं। ओके फाइन, तो टोटेम ऑफ अंडाइंग अभी सेल होने चाहिए, बिकॉज डेथ काउंटर दिख रहा है। तो या डेथ काउंटर दिख रहा है तो लोगों को अभी बाय तो करने चाहिए। तो है यहाँ पे किसी ने बाय किया है कुछ? ओके तो यहाँ पे किसी ने बाय तो किए है नहीं, और इवन मेरा यहाँ का टोटेम भी गायब हो गया, पता नहीं क्यों लोग कहाँ पे लेके गए हैं। ओके ओके तो यहाँ पे अभी है तो नहीं मेरे पास। तो अभी जस्ट मुझे आया था मैं शॉपिंग के लिए, तो डायमंड्स अगर रहेंगे हमारे पास तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो फिर से जाना पड़ेगा अभी हमें बेस पे। बाहर कुछ था मैंने देखा, कोई बात नहीं। तो नाइस, तो मैंने जो है मेन हमारा शल्क बॉक्स वो भी लाया नहीं है, तो वो मैं लेके आता हूँ और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सॉफ्टी के शॉप पे। ऑल राइट आ गए हम लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में, और पता नहीं क्यों बट यहाँ पे लैग बहुत कर रहा है। मे बी हमारा रेंडर नहीं हुआ है, नहीं तो कुछ तो नई चीज़ आई है यहाँ पे, लैग कर रहा है थोड़ा सा मेरा। ओके सो लेट्स गो। ओके ये मैंने ब्रेक क्या किया, ओ माय गॉड गलती से मैंने ब्रेक किया है, सॉरी गाइज, बता देना सॉफ्टी को नहीं बताना है, पागल मत बनो। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें बाय करने हैं ये वाले ब्लॉक्स, ठीक है, बिकॉज बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग देख सकते हो ये ऊपर वाले ब्लॉक्स, मुझे पता है ये वाले ब्लॉक्स मुझे पसंद है, बट ये ब्लॉक्स जो है वो बिल्ड में अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये वाले ब्लॉक्स यूज़ करेंगे हम लोग। सो कितने के हैं प्राइस देखते हैं। वन स्टैक वन डायमंड, और इसके जो है टू स्टैक वन डायमंड, तो एक स्टैक एक डायमंड में मिलने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग बाय करने वाले हैं चार स्टैक या फिर कितने पता नहीं, तीन स्टैक तो अभी के लिए चार स्टैक कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऑल राइट एंड ठीक है, अच्छा खासा हो गया, बिकॉज ये ब्लॉक्स जो है वो भी मस्त लगते हैं। लेकिन वाओ, ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ये जो शेडो और ये इफेक्ट दिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाइस वन नाइस वन नाइस वन। और डार्क प्रिज्मा रेन अभी तक आया है नहीं, मुझे पता नहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी डार्क प्रिज्मा रेन की, बट लेट्स सी। ओके रात हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो अभी मैं जाता हूँ हमारे बेस पे, ये देखो ये कितना मस्त लगता है, नाइस वन। और वो ब्लॉग अगर आप लोगों को पता नहीं है कौन सा है, तो वो मैंने टेक्सचर पैक बनाया था जिसमें मैंने रेडस्टोन का जो है टॉर्च, नहीं टॉर्च नहीं है, रेडस्टोन का लैम्प वो मैंने चेंज किया है। तो चलो अभी जाते हैं हमारे बेस पे। ऑल राइट आ गए, रात हो गई है, सोना पड़ेगा, मेरे पास बेड है। ओके मैं बेड ऑल टाइम जो है लेके रखता ही हूँ। ऑल राइट तो देख सकते हो सुबह भी कैसे होती है, अभी स्किप स्किप करके नहीं होती है, एक 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 जो है ऊपर आप लोग देख सकते हो, इवन गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है वो भी आ गया है। सो या बाकी का डायमंड जो है हम लोग रख देते हैं हमारे बॉक्स में, एंड ये ब्लॉक जो है वो फिर से रख देते हैं, सो दैट शान जो है हमारे स्कूबी के घर की वो वैसे ही बरकरार रहेगी। आई थिंक सो मेरे आजू बाजू जो है बहुत सारे मॉब्स है, उनकी आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। तो चलो फाइनली बेस बिल्डिंग का काम जो है मैं चालू कर देता हूँ, मुझे जस्ट अभी ये प्रिज्मारन के ब्लॉक्स जो है वो प्रिज्मारन के ब्लॉक्स अभी लगाने हैं हर एक, लाइक अभी मैं पीछे दिखा देता हूँ। तो ये नीचे जो है ये मैंने डार्क कलर का ब्लॉक लगाया है, तो जस्ट उसके ऊपर लाइक मैं अभी आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ ऐसे, तो ये अंदर वाले साइड पे मतलब वो वॉल के परफेक्टली ऊपर ही जो है
मैं ब्लॉक लगाने वाला हूँ। तो ये ऐसे एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आप लोगों को लाइक प्रैक्टिकली बता देता हूँ बिकॉज वो कैसे लग रहा है। एंड उसके पहले मैं आप लोगों को फ्लाइंग मोड में दिखा देता हूँ कि बेस अभी कैसे लग रहा है एंड वो जो मैं बोल रहा हूँ वो लगाने के बाद कैसे लगेगा। तो आप लोग एक बार देख लो कैसे लग रहा है बेस। अच्छा खासा लग रहा है बट थोड़ी सी ऐसे कमी लगती है ये बेस में। तो चलो मैं काम पे लग जाता हूँ। एंड मेरे पास तो अभी के लिए दूसरा डिवाइस है नहीं तो मैं टाइम लैप जो है वो नहीं बना सकता, बट जैसे ही आएगा टाइम लैप तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं दूसरे डिवाइस से क्यों नहीं दूसरे डिवाइस से मैं डिवाइड क्यों बोल रहा हूँ, मैथ्स क्यों भेज रहा हूँ, तो दूसरे डिवाइस से मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को आई होप पता है। तो चलो काम करता हूँ, बीच बीच में अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है लाइक अगर वंडरिंग ट्रेडर आता है तो आप लोगों को मैं ऑब्वियसली बताने वाला हूँ। सो चलो काम जो है चालू कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे काम जो है मेरा चालू ही था बट प्रिज्मरीन जो है वो ख़त्म हो गया। प्रिज्मरीन एक्चुअली बोलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मस्त प्रिज्मरीन का कलर जो है, प्रिज्मरीन का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम चालू करने के पहले फ्लाई बाय किया था वैसे हम लोग करने वाले हैं, बट ये वाला एपिसोड में मैं नहीं लेने वाला हूँ प्रिज्मरीन, मैं बाद में जो है बाय करने वाला हूँ। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि उड़ने के बाद जो है सेम डायरेक्शन से ये कैसे लगता है। ओके जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा दूर से आते हैं हम लोग, ये देख सकते हो वाओ वाओ। खास करके जो ऐसे ये जो कलर जो है उसका बॉर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। मेरा अभी मन कर रहा है जहाँ पे हम लोग ये कलर जो है यूज़ कर रहे हैं उसके जगह पे अगर ये, ओ भाई साहब ये क्या हुआ था, ओके पता नहीं क्यों बट मेरा इलेक्ट्रा बंद हो गया था। तो यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्रिज्मरीन ब्लॉक्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके जगह अगर वो ग्लो भी करते तो और भी मज़ा आता वो यूज़ करने में, बट कोई बात नहीं। एंड ख़ास करके जो मुझे यहाँ पे चीज़ अच्छी लग रही है वो है यहाँ पे इसका एंट्रेंस जो है वो भी मस्त लगता है और भी। तो इसे डेप्थ जो है वो अच्छी खासी मिल गई है, ऐसे लग रहा है ये वाला जो पार्ट है वो बाहर आया है। तो ऐसे मस्त ऐसे फीलिंग आ रही है। तो बहुत बहुत थैंक यू तुम लोगों ने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि कैसे जो है कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर जो है वो यूज़ करने वाला था, एमरल्ड ब्लॉक जो है एमरल्ड ब्लॉक का कलर वैसे कलर यूज़ करने वाला था एमरल्ड ग्रीन। तो ये वाला कलर जो है देख के मुझे अभी अच्छा लग रहा है, बाकी काम जो है मैं ऑफ कैमरा करने वाला हूँ। देख सकते हो इतना सारा अभी कॉन्क्रीट जो है वो मेरे पास रिटर्न आ गया है, 4 स्टैक जो है ग्रे कॉन्क्रीट, प्रॉपर ग्रे कॉन्क्रीट, वो हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेन काम आता है हमारे डोम का, तो वो डोम जो है वो भी बनाना है। तो डोम जो है वो भी मैं वैसे ही अभी बनाने वाला हूँ अभी के लिए। तो सेंटर में जो है हम लोग डोम लगाने वाले हैं, शिप व्हाट्सअप शिप का भी हेड जो है वो आता है, चांसेस बहुत कम रहते हैं, कोई बात नहीं मिला ठीक है। तुम लोग अभी ये शिप के लिए रेस्ट इन पीस लिखना मत नहीं तो बहुत मार खाओगे। ओके जस्ट वन सेकेंड, वो उसके पहले और एक अच्छी चीज़ बतानी है जो मैं बताना भूल गया था, पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ मैं ये चीज़ें। ऑलराइट, तो हमारे विलेजर जो है वो बहुत सारे विलेजर्स अभी लाइक भूल ही गए थे उनका प्रोफेशन क्या है और ट्रेड्स भूल गए थे। तो मेरा विलेजर अभी है जिंदा वो या फिर वो भी चेंज हो गया? ओके तो प्रोटेक्शन फोर वाला विलेजर तो था ही बट मेन प्रॉब्लम जो हो गया था वो हमारे ये विलेजर को, तो बाकी के विलेजर चेंज हो गए थे। तो ये विलेजर के ट्रेड्स देख सकते हो, मुझे 14 अभी एमरल्ड में ये बंदा अनब्रेकिंग 3 की बुक दे रहा है। सो कैन यू गाइज इमेजिन 14 एमरल्ड्स में अनब्रेकिंग 3, लाइक हर एक चीज़ पे जो है आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ पे अनब्रेकिंग लगाते हैं लोग, तो हमें 14 एमरल्ड में मिल रहा है। तो ये भी जो है अच्छी बुक है, वो हम लोग सेल कर सकते हैं बाकी लोगों को, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग जो है प्रोटेक्शन फोर का जो है बंदा है हमारे पास पहले से ही, तो मेंडिंग का बंदा बना के उसके बाद हम लोग जो है यानी कि मेंडिंग का विलेजर बना के जो है हम लोग चालू आमा जो है वो सेल करना चालू करते हैं। वो आमा जो है इसे भी चाहिए था ज़ॉम्बी को, तो जल्दी से जल्दी जो है हम उस पर काम चालू करते हैं। बट अभी के लिए जो है हम लोग, यार अभी ये कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रिज्मरीन ब्लॉक डालने के बाद, वाओ। तो अभी मैं आता हूँ डोम के काम पे। डोम जो है वहाँ पे हमें लगाना है ग्लास, और ग्लास का कोन जो है वो दिखने वाला है कुछ ऐसा। आपके स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहा है तो ऐसे जो है ग्रीन कलर का जो लाइक वो, ये तो सिर्फ ऐसे बनाया है, वो मॉडल दिखाया है वो लोगों ने। तो ये जो है हम लोग फिल करने वाले हैं ग्लास कलर जो है लाइट ब्लू से करने वाले हैं, बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा इशू है।
तो आ गए हम लोग यहाँ पे टेस्ट वर्ल्ड में। टेस्ट वर्ल्ड में मैं यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा मेरे वर्ल्ड में जो भी कुछ मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेस्ट वर्ल्ड में बनाता हूँ। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को इवन नोटिस भी नहीं होगी, यहाँ पे मैंने दो टाइप के ग्लास जो है वो यूज़ किए हैं। कलर जो है आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने दो टाइप के ग्लास यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू ग्लास यूज़ किया है एंड यहाँ पे सायन कलर, ये देखो लाइट ब्लू ग्लास जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने सायन कलर जो है वो यूज़ किया है। थोड़ा सा ऐसे नज़दीक आने के बाद समझ में आता है, वरना वो भी नहीं समझ में आता। तो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो कौन सा वाला ब्लॉक जो है वो यूज़ करना है ऊपर वाले इसमें। लाइक ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, ये ब्लॉक भी अच्छा लग रहा है, ये तो कलर चेंज करेगा। इवन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे मस्त कलर जो है वो चेंज हो रहा है। थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा सी। एंड थर्ड जो है ये वाला, तो मेन बेस पे जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड बाकी आप लोगों को आई थिंक सो समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे चीज़ जो है हम लोग बनाने वाले हैं। डोम जो है, ग्लास जो है वो बहुत ही जल्द जो है हम लोग लगाने वाले हैं। एंड सेकंड, वो ग्लास का कलर में जो है आप लोग डिफरेंस नहीं लगा सकते। तो देखो थोड़े टाइम आप जैसे यहाँ पे स्टेयर करते हो तो दोनों ग्लास का कलर जो है वो सेम हो जाता है, बट जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो समझ में आता है कि दोनों ग्लास में जो है वो कितना डिफरेंस है। तो वही मैं सोच रहा था कि कौन सा कलर यूज़ करना है, ये वाला कलर यूज़ करना है या फिर ये वाला कलर यूज़ करना है। तो फाइनली ये वाला कलर जो है आप लोग डिसाइड करो यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कलर यूज़ करो बिकॉज लाइट ब्लू है तो यूज़ कर सकते हैं, लाइक लैपिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वाला कलर पता नहीं कैसे मिलेगा, कोई बात नहीं। तो ऊपर जो है आप लोगों को एक आया होगा लाइक पॉपअप जो है वो आया होगा, वो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, बताना है आपको कौन सा वाला यूज़ जो है, मतलब कौन सा वाला ग्लास जो है वो डोम पे देखना है। लाइट ब्लू वाला देखना है जो अभी मेरे पीछे है, या फिर सायन कलर। तो या बताओ मुझे, और वैसे जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड वो जो कुछ जो है डोम हमारा ऐसे कुछ दिखने वाला है एंड इवन नीचे से भी जो है ऐसे कुछ दिखने वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। लाइक इमेजिन करो नीचे से वाइट कलर का जो भी कुछ ग्लास है या फिर फ्लोर है एंड ऊपर मस्त ऐसे सायन या लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड। एंड वन मोर थिंग, हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो ये ज़ॉम्बीफाइड पिगमैन जो है वो यहाँ पे है, और ये क्यों आया है बिकॉज मैं ये देख सकते हो, मैं सेटिंग्स में देख सकते हो मेरे जावा एस्पेक्ट जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके वजह से ऐसे जो है पिगमैन आया है। बट फाइनली अभी पिगमैन का भी ये लास्ट अपडेट है, लाइक लास्ट टाइम आप लोगों को दिखने वाला है, क्योंकि 1.16 में जो है पिगमैन जा रहे हैं। सो रेस्ट इन पीस, कोई बात नहीं। तो चलो आज के लिए बस इतने, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये बहुत सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिखानी है आप लोगों को, कोई बात नहीं। सो या आज के लिए बस इतना, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हो। एंड यस, आप लोग अगर नाराज हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, माफ़ करना बट कमेंट सेक्शन में आपका गुस्सा जो है वो निकाल सकते हो। एंड लाइक पता नहीं लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो को आप, बहुत लाइक आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलरली वीडियोज जो है वो आने वाले हैं बॉन्ड के, आई होप बाकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाला है। तो चलो बाय बाय।